हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। एफोर्डेबल होम प्लान में आज हम चर्चा करेंगे सेक्शनल डिटेल्स का, लेआउट का और टाइपिंग डिटेल्स का। जी हाँ, बिल्टअप एरिया 33 फीट बाय 47 फीट 9 इंचेस का प्लान पहले वीडियो में आ चुका है, उसी का ये लेआउट प्लान है। तो चलिए पहले एक नज़र देखते हैं ये प्लान को। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने है ये 33 फीट ऐसे और ये 47 फीट 9 इंच ऐसे है। ये दो फ्लैट बनाया हुआ है 3 BHK का, लेफ्ट और राइट में फेसिंग ईस्ट है। इसका चर्चा पहले हम लोग कर चुके हैं, तो आज चलिए सीधे इसका हम लोग देखते हैं। ये रेफरेंस के लिए मात्र था ये, अब चलिए देखते हैं इसका सबसे पहले ये लेआउट प्लान। जी हाँ, स्क्रीन पर ये आपका लेआउट प्लान है। बिल्टअप एरिया 33 फीट है, 33 फीट बाय 47 फीट 9 इंच में 33 फीट यहाँ से लेकर के इधर साउथ टू नॉर्थ और 47 फीट 9 इंच वेस्ट टू ईस्ट है। ये सभी स्क्वायर में रेड स्क्वायर देख रहे हैं। ये कॉलम का प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ग्रिड है ये, और इसमें नंबरिंग किया हुआ है ऐसे हॉरिजॉन्टली आपको ए बी सी डी और वर्टिकली 1 2 3 4 5, और इसे हम लोग सभी ये कॉलम को डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ के लिए बोलेंगे A1, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1, ये होगा D1। सिमिलरली अगर हम इसको लोकेट करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा B2 पर और ये आ जाएगा C2। इस प्रकार आपका इसमें से सभी कॉलम को डिनोट करने के लिए ये ऊपर में सर्किल में जो दिखा हुआ है दोनों साइड में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसका सहारा लेते हैं, और सभी सेंटर टू सेंटर कॉलम का डिस्टेंस यहाँ पर आपको दर्शाया हुआ है। हॉरिजॉन्टली ऊपर में 11 फीट 11 इंच, 8 फीट 4 इंचेस, 11 फीट 11 इंच दोनों साइड में, 11 फीट 11 इंच 11 फीट, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये। सिमिलरली वर्टिकल डिस्टेंस भी दोनों साइड में दिखाया हुआ है, 10 फीट 9 इंच, 10 फीट 14 फीट 9 इंच, 11 फीट 5 इंच। तो ये था आपका लेआउट। इसे राजमिस्त्री को लेआउट करने में सहूलियत होगी, ये सब जगह पॉइंट लगाएगा और यहीं पर पाइलिंग होगा। जी हाँ, इसके बाद में ये पाइलिंग हो जाने के बाद में तब आता है आपको देखिए इसका टाइपिंग। ये ग्राउंड लेवल पर ये सभी आपने देखा, ये ए बी सी डी और ऐसे 1 2 5 है दोनों साइड में, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सभी कॉलम को लोकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है ये सभी इसमें लेआउट में आपने देखा भी। अब इस जगह पर जो है सो सभी कॉलम टू कॉलम जो पाइलिंग हुआ है, पाइल टू पाइल 1 ब्रिक फ्लैट सोलिंग होगा और उसके ऊपर में हम लोग टाइबीम देंगे। तो टाइबीम का यही शेप होगा आपका, देख रहे हैं ये 10 इंची में है ये फ्लैट सोलिंग किया हुआ, उसके ऊपर में 10 इंची बाय 10 इंची का टाइबीम प्रोवाइड किया हुआ है। M20 में है, M20 मीन्स 1:1.5:3 कॉन्क्रीट मिक्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये था, ये है आपका टाइबीम का डिटेल। और उसके बाद में अब आइए इस टाइबीम के ऊपर ग्राउंड फ्लोर देखते हैं। इसमें टाइबीम हो गया, अब ये देख लीजिए ये ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर भी है ये यहाँ, और इसी का सेक्शन दर्शाया हुआ है। पहले तो ये ग्राउंड फ्लोर का देखें हम लोग, इसमें सभी डॉटेड लाइन दिया हुआ है। ये टी बीम है सीलिंग हाइट पर, और ये आपका प्लिंथ लेवल तक में जो आया है वो बीम है, और ये प्लिंथ लेवल से ये दोनों साइड की दीवार साइड से हम लोगों ने ज़मीन की चौड़ाई लैंड की जो डिटेल
उपलब्ध है उसके हिसाब से चौड़ाई ही रखा हुआ है इसमें 33 फीट, इसलिए ये इसमें। तो ये दोनों साइड से आपका यहीं देख रहे हैं 10 इंची की दीवारें हैं दी हुई ये, और ये यहाँ से आ गया 47 फीट 9 इंची का, और ये सब कंटिन्यूस वॉल है ये जी हाँ। और ये बीच में प्रोवाइड किया हुआ है स्टेयर केस, ये देखिए थोड़ा बड़ा कर दिए, 7.5 फीट है ये इंटरनल डायमेंशन, 3.5 फीट इधर से, 3.5 फीट इधर से, और बीच में ये 6 इंची का स्पेस दिया हुआ है, और 10-10 इंची का दोनों साइड का, ये सभी कॉलम रेड में जो देख रहे हैं 10 इंची बाय 10 इंची का है ये जी हाँ। और ये डॉटेड लाइन सब टी बीम को दिखा रहा है, ऊपर में सीलिंग हाइट पर दिया हुआ है। इसका देखिए सेक्शन स्पष्ट इसमें से हो जा रहा है, इसको सब अलग अलग कलर से सभी चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है जी हाँ। ये देखिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, GL लिखा हुआ है, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से 6 इंची जहाँ जहाँ पर आपका टाइबिंग प्रोवाइड करना है वहाँ पर कटिंग है, अर्थ कटिंग है ये 6 इंची का, जिसमें 3 इंची यहाँ लिखा हुआ 3 इंची थिक लोकल सैंड फिलिंग इसमें होगा ये यहाँ पर, और उसके ऊपर में जो 1 ब्रिक फ्लैट सोलिंग है 10 इंची चौड़ाई में, और उसके ऊपर में ये 10 इंची बाय 10 इंची का 10 इंची बाय 10 इंच लिखा, 10 इंचज बाय 10 इंचज RCC टाइबिंग इसी को बोलते हैं ये। तो ये M20 में है, वही M20 नॉर्मल मिक्स है इसका, 1:1:1.5:3 का इसके, और यहाँ से ये बीच में पिंक कलर का आप देख रहे हैं ये देखिए ये ब्रिक वर्क दिखा रहा है, यहाँ से लेकर के ब्रिक वर्क हो गया, और इसमें ये जगह जो है सो आपको लोकल सैंड फिलिंग का है, इसके ऊपर में 6 इंची ड्राई रेम खोवा है, ब्रिक बेड्स है ये, और उसके ऊपर में आपका ये 2 इंची का जो है सो यहाँ ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, 2 इंची का IPS फ्लोरिंग है ये, कंक्रीट फ्लोरिंग है, और ये ब्लैक जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये DPC है, ये भी 2 इंची में है, प्लिंथ लेवल पर देना रहता है आपको डैम्पनेस के लिए, डैम्पनेस से प्रोटेक्शन के लिए इसमें प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए उसके बाद में ये रेड कलर में ये सभी कॉलम को दिखा रहा है ये यहाँ से यहाँ तक में, और ये स्पेसिंग कॉलम टू कॉलम आपका दिखा हुआ है इसमें स्पेलिंग, ये स्पेसिंग आपका है यहाँ से 11 फीट 1 इंची 7 फीट 6 इंची और फिर 11 फीट 1 इंची सेक्शन 8A है। ये देखिए इसमें हम लोग सेक्शन काट रहे हैं यहाँ से, ये इस जगह से काट करके अलग करते हैं तो जो रेस्ट दिखाई देगा ये पोर्शन यहाँ से यहाँ पर, तो इसी का एक कॉलम ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये कॉलम है, और उसके नीचे ग्राउंड लेवल तक में जो कटिंग के बाद में नज़र आएगा वही चीज़ दिखाया हुआ है। और ये आपका देख लिए कॉलम है रेड कलर से दर्शाया हुआ, उसके बाद में ये ब्लू है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका टी बीम आ रहा है 10 इंची बाय 10 इंची का, और ये ओरिजेंटल है आपको ये ब्लू कलर का लाइट ब्लू है ये, या स्काई ब्लू भी इसको कह सकते हैं, ये भी आपका टी बीम है ये भी 10 इंची बाय 10 इंची है, 10 इंची चौड़ाई में और 10 इंची ये खड़ा है, और इसके ऊपर में ये फिर ये रेड कलर का देख रहे हैं ये 4 इंची मोटाई में लिया हुआ है, 4 इंची थिक RCC रूफ स्लैम। तो यहाँ से चल कर करके यहाँ तक आपका जब काट करके देखते हैं तो यही आता है, सबसे नीचे में आपका ग्राउंड लेवल से नीचे 6 इंची कटिंग हुआ 10 इंची चौड़ाई में, उसके ऊपर उस कटिंग में हम लोग नीचे 3 इंची का लोकल सैंड डालते हैं, उसके ऊपर 1 ब्रिक फ्लैट सोलिंग, फिर टाई बीम, फिर ब्रिक वर्क, फिर DPC कॉलम, और उसके बाद टाई बीम ऊपर में टी बीम के साथ साथ में जैसे ही मोनोलिथिक रहता है ये टी बीम, इसीलिए बोलते हैं ये नीचे लटका हुआ, और ये फ्लेंज हो गया ये, और ये हो गया ब्लू कलर का जो नीचे लटकता है, उसके ऊपर में ये 4 इंची का रूफ स्लैब है। तो चलिए इसका ये तो था, इसे ओरिजेंटल एक सेक्शन और है वो भी देखते हैं आपको।